जिस दूध को रखवाने रखने के लिए बचाने के लिए बिल्ली रखवाली पे बैठी है, तो दिल्ली में केजरीवाल को भगाना पड़ेगा और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को भगाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक दलाली का एक इस तरीके से फेंका हुआ है। दूसरा नंबर केजरीवाल का है, वो भी ओबीसी समाज को, ऐसी समाज को दबाने पे लगा हुआ है कि आने वाले टाइम में बदलाव होगा। और मोदी साहब ने तो पहले बोल दिया हमारा क्या, हम तो फकीर है, झोड़ झंडा लेके चल देंगे, तो आप तैयारी करिए, चलिएगा 2024 में। उनको केवल चेहरा बनाया गया है कि ओबीसी समाज के लोगों को तुम बरगला करके लाइए, इसलिए ये चाहते हैं कि ये भूखे मरते रहें और इनके पेट में उतना ही खाना जाए जितना जी सांस चलती रहे। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। लगातार बहुजन समाज की खबरें आने लगी हैं क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपती नहीं है, वो गांव-गांव तक खबरें पहुंचती हैं कि कैसे बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। हमारे साथ ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आज जो है अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई, तकरीबन 5 किलोमीटर तक रैली निकाली गई। कैसे देखते हैं सर आप इसको कि किस प्रकार से ये रैली समारोह आपने रखा, तो कितना सफल दिखा आपको? देखिए, सफलता तो आप सभी लोगों ने खुद देखी है, हम अपने मुँह से नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि संतुष्ट हम जरूर हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग निकले हैं बाहर, ओबीसी महासभा के नेतृत्व में SC ST OBC के सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने एक दलाली का एक इस तरीके से फेंका हुआ है, उसके बाद दूसरा नंबर केजरीवाल का है, वो भी ओबीसी समाज को, ऐसी समाज को दबाने पे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उस माहौल से भी निकल करके अगर सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अगर रोड पे निकले हैं, तो ये 101% पता है कि आने वाले टाइम में बदलाव होगा। जिस प्रकार से आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, वही पार्टी दावा करती है सर्व समाज की, सबका साथ सबका विकास की। अभी आपने देखा जंतर मंतर पे जो हमारी बहनें बैठी हुई थी, यही सबका साथ सबका विकास इसी को कहते हैं। जो बहन बेटी का मान और सम्मान नहीं बचा सकते, उनके पार्टी में कम से कम 70-80 लोग ऐसे हैं जिनके पास 70-80 मुकदमे हैं, और वो ही लोग कहते हैं दूध की रखवाली पे बिल्ली को बैठा दिया है। क्या अब दूध बचेगा? कोई बता सकता है दूध बच पाएगा? जिस दूध को रखने के लिए, बचाने के लिए बिल्ली रखवाली पे बैठी है, तो मैं कहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों को भविष्य सुधारना है, तो दिल्ली में केजरीवाल को भगाना पड़ेगा और केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को भगाना पड़ेगा। ये 101% हमारे समाज को खाने वाले लोग हैं। और केजरीवाल की अगर बात करें तो जो बी टीम है बीजेपी की, इसको बिल्कुल हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे SC ST OBC समाज के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं 2025 में केजरीवाल को झोरा झंडे उठा के इनको भगाएंगे। और मोदी साहब ने तो पहले बोल दिया हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, झोरा झंडा लेके चल देंगे, तो आप तैयारी करिए, चलिएगा 2024 में। वहीं BSP को बी टीम बताया जाता है बीजेपी की। देखिए, मैं BSP की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं अभी अपनी ओबीसी महासभा की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी की, मैं तो जो सत्ता में पार्टी है, इसलिए मैंने केजरीवाल साहब की और मोदी साहब की बात करी, कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कांग्रेस ने भी SC ST OBC लोगों को दबाया, उनको भी नहीं कुछ दिया, इसलिए आज कांग्रेस के दिन देखने पड़ रहे हैं। और इसी तरीके से आज 10 सांसद हैं राज्यसभा के केजरीवाल साहब के, ओबीसी का वोट तो लिया, लेकिन ओबीसी का एक भी राज्यसभा सांसद नियुक्त नहीं करा, एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो विडंबना है हमारे समाज में, और हमारे समाज के लोग, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? इसलिए मैं बोलूँगा, और ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं इस तरीके से बोलूँगा कि केजरीवाल साहब, दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, पूरी तरीके से हिला के छोड़ूंगा। अभी हमारी बहन अस्मिता ने बोला, तो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने पूरी तरीके से सच बोला है, और एक एक व्यक्ति ओबीसी महासभा का जाग रहा है, SC समाज का, ST समाज का, ओबीसी समाज का, सारे लोग एक होंगे और आने वाले समय में इनको हम मजबूती से जवाब देंगे। तमाम आप सांसद देखेंगे ओबीसी समाज के हैं, तो वो ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं लाया गया है, उनको केवल चेहरा बनाया गया है कि ओबीसी समाज के लोगों को तुम बरगला करके लाइए। ऐसी समाज के लोगों को
ऐसे समाज के लोगों को बरगलाने के लिए ऐसी सीट जो है रिजर्व सीट है उनको आप देखिए, उनको भी बरगलाने के लिए लाया गया। ऐसी असली जो एससी है, जो ऐसी समाज की बात करता है और जो लोग जो बाबा संविधान के आधार पर चलना चाहते हैं उनको वो कभी नियुक्त नहीं करते हैं। ओबीसी समाज लगातार शक के घेरे में रहता है और देखा भी गया है कि झंडे डंडे की राजनीति करता है, लगातार वो मंदिरों में जाता है, कर्मकांड करता है, इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे निकाल पाएंगे? देखिए मैं क्या निकाल पाऊंगा, हमारे महापुरुष जितने भी थे सभी महापुरुष लगातार वो प्रयास किया उन्होंने, तथागत भगवान बुद्ध से लेकर बिरसा मुंडा साहू जी महाराज, कबीर साहब, रविदास साहब और संत तुकाराम साहब और लास्ट में हमारे बाबा साहब कांसीराम साहब और अभी हम लोग आप लोग सब लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मजबूरियां हैं। सबसे बड़ी मजबूरी है फाइनेंस की और ये सरकारें एससी एसटी ओबीसी समाज को लोगों को आज तक इनको फाइनेंशियल मजबूत नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कर देंगे तो फिर ये हमारी गुलामी कैसे करेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि ये भूखे मरते रहें और इनके पेट में उतना ही खाना जाए जितना जी सांस चलती रहे, आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं सरकारें लोग। 2024 का इलेक्शन करीब है तो क्या राजनीति में होगा ओबीसी समाज का, क्या होगा दायित्व? ओबीसी समाज का दायित्व है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी साहब ने अपने मुँह से बोल दिया है कि मेरा तो मैं तो फकीर हूँ मैं तो चल दूंगा, तो मैं भी कह रहा हूँ ओबीसी महासभा के नेतृत्व से कि आप लोग जितनी जल्दी तैयारी कर लो उतना अच्छा है और नहीं जनता आपको धक्का मार के बाहर करेगी। प्रधानमंत्री भी तो अपने आप को ओबीसी क्लेम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया 2024 से 2001 की जनगणना में मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री वो वर्तमान में, तो उन्होंने अपने कार्यकाल में अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डलवाया। उससे पहले वो कौन थे मोदी साहब बताएं, आप मोदी साहब को पूछ लेना उससे पहले कौन थे आप 2001 में ही ओबीसी में क्यों आए? मैं जाति से बघेल हूँ, गडरिया हूँ, मैं पहले से ही ओबीसी में हूँ, तो मेरी तरह आप क्यों नहीं है? आपने 2001 की जनगणना में अपने आप को मुख्यमंत्री होने के मुख्यमंत्री खुद अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में और उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में डलवाया है और ये जान बूझ करके डलवाया है ओबीसी समाज को ठगने के लिए। तो आप लोग साफ तौर पे देख पाए होंगे, जब खबर देखेंगे ओबीसी समाज की, बहुजन समाज की, तब निकल के आता है धरातल पे सच्चाई क्या है, ओबीसी समाज कितना लड़ रहा है अपने समाज के हक हुकूक के लिए। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर